स्टार्ट करते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 24 नेम द स्पोर्ट्स। और हमें इस पेज पर क्या करना है, हमें स्पोर्ट्स के नेम बताने हैं। ओके, सो ये ग्रिड है यहाँ पर दी हुई, आपकी बुक में भी दी हुई है। रीड द क्लूज, यहाँ ये क्लूज दिए हुए हैं बच्चों आपको, तो आपको इस वर्ड पजल को सॉल्व करना है, राइट? और इसमें है पॉपुलर स्पोर्ट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द नेशनल स्पोर्ट ऑफ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का नेशनल स्पोर्ट है ये। प्रीवियस चैप्टर में आई हैव टोल्ड यू दिस इज रग्बी। ओके, सो मैंने यहाँ पर फिल किया हुआ है, आप भी मेरे साथ अपनी बुक में फिल कर सकते हो। सो दिस इज रग्बी। तो चलिए सेकंड पे देखते हैं। द नेशनल स्पोर्ट ऑफ USA, ये USA का नेशनल स्पोर्ट है। इट इज़ अ बैट एंड बॉल स्पोर्ट्स प्लेड बिटवीन टू टीम्स ऑफ 9 प्लेयर्स ईच। ये बैट और बॉल से खेला जाता है, लेकिन दोनों टीम्स में 9 प्लेयर्स होते हैं दोनों जगह। तो ये कौन सा गेम है? दिस इज बेसबॉल, राइट? सो दिस इज बेसबॉल। नाउ वी कम ऑन द नंबर 3। नंबर 2 हम कर चुके हैं, नंबर 1 भी हम कर चुके हैं। वी कम ऑन द नंबर 3। अ काइंड ऑफ स्वॉर्ड फाइट इन विच फॉयल एपी एंड सेब्रे आर द वेपन्स यूज। सो इसमें यूज होते हैं फॉयल एपी एंड सेब्रे। सो एक तरह की स्वॉर्ड की ये गेम होती है, लड़ाई होती है। एंड दिस इज फेंसिंग। ओके, सो इसे कहते हैं फेंसिंग। नाउ सी द नंबर 4। ये एक रैकेट स्पोर्ट है, ओके, जो खेला जाता है दो प्लेयर्स के बीच में इन अ 4-walled कोर्ट। 4 दीवारों वाला एक कोर्ट होता है विद अ रबर बॉल। रबर बॉल के साथ इसे खेलते हैं और इसका नाम है स्क्वैश। क्या नाम है इसका बच्चों? स्क्वैश, राइट? नाउ सी द नंबर 5। अ स्पोर्ट, एक ऐसा स्पोर्ट दैट कंसिस्ट ऑफ 3 लिफ्ट स्क्वैट्स, जिसमें 3 लिफ्ट स्क्वैट्स होते हैं, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट होता है, तो उसे हम कहते हैं पावर लिफ्टिंग। क्या कहते हैं उसे? पावर लिफ्टिंग। नाउ वी कम ऑन द नंबर 6। एक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है ये, जिसमें एक रेसलर जिसे कहते हैं रिकिशी, उसको क्या बुलाया जाता है? रिकिशी। वो अटेम्प्ट करता है अपने ओपोनेंट को पुश करने का रिंग से बाहर। ओके, अगर ओपोनेंट रिंग से बाहर चला जाएगा, सर्कुलर रिंग होता है, एक गोल रिंग होता है, उससे बाहर चला जाएगा, सो ही विल बी आउट। ओके, सो ये है सुमो रेसलर्स। सो ये गेम का नाम है सुमो रेसलर्स। नाउ वी सी द नंबर 7। नेशनल स्पोर्ट ऑफ बांग्लादेश, सो वो है कबड्डी। ओके, सो बांग्लादेश का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है? कबड्डी। नाउ सी द 8th पॉइंट। एक ऐसा स्पोर्ट्स इन विच द प्लेयर्स अटेम्प्ट टू स्कोर पॉइंट्स, जिसमें प्लेयर्स पॉइंट्स को स्कोर करने की कोशिश करता है बाय रोलिंग अ हैवी बॉल, एक हैवी बॉल को रोल करा के अलोंग द फ्लैट सरफेस टू हिट ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड पिंस। आगे बहुत पिंस रखे होते हैं, एक फ्लैट सरफेस पे वो एक हैवी बॉल को रोल कराता है, और अगर वो सारे गिर जाते हैं तो वो प्लेयर विन कर जाता है, एंड दैट स्पोर्ट्स इज कॉल्ड बॉलिंग। ओके, नाउ सी नंबर 9। ये गेम 4 पीरियड्स में खेला जाता है, और इफ़ द टीम्स आर टाइड 2 एक्स्ट्रा पीरियड्स आर प्लेड। और अगर टाई हो जाता है दोनों टीम्स के बीच में, तो 2 और एक्स्ट्रा पीरियड्स खेले जाते हैं। इसे कहते हैं वाटर पोलो। दिस स्पोर्ट इज वाटर पोलो। नाउ वी विल सी द नंबर 10। एक गेम जो एक लार्ज टेबल पर, बहुत बड़ी टेबल पर खेला जाता है, विद डिफरेंट कलर बॉल्स के साथ, तरह तरह के रंगों की बॉल होती हैं, एंड अ क्यू स्टिक, और एक क्यू स्टिक होती है, उसे हम कहते हैं ये स्नूकर। ठीक है, दैट स्पोर्ट इज स्नूकर। तो अब आपको यहाँ पर जो क्लूज दिए हुए हैं, उनसे आपको इन गेम्स को खेलने का तरीका भी पता
चल गया है। तो अब आप मुझे बताएंगे कि आपने इनमें से कौन कौन से गेम्स खेल रखे हैं, राइट? और इन गेम्स को जो खेलने के तरीके हैं वो भी आप लर्न करेंगे, राइट? तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।